मेरी बातचीत हुई कल, एक ट्रेन 3 बजे चली दरभंगा के लिए मुजफ्फरपुर। हम उसमें जो अभी तत्काल 12,000 सेल्टर होम में जो लोग हैं उसको 2 से 3 दिन के अंदर भेजने की है। हमने कहा है कि जो पैसा खर्च लगेगा मजदूरों का, यदि सरकार नहीं वहन करेगी तो 15% भारत सरकार को हम पैसा जमा करने के लिए बाय चेक तैयार है। उसको हमने कह दिया जहाँ से लेना हो पैसा DCM को जमा कर देंगे, लेकिन बिहार के मजदूरों को 1 रुपया नहीं लगेगा, ना बस से ना बिहार में बस से। ये जितना फॉर्म आपने जमा किया वो हम उसको ले छे, और शाम में या कल मंगन जी आप टोटल फॉर्म जमा कर दीजिए। इसी अनुसार आप लोगों को टेलीफोन आप लोग किए क्या है कि 2 प्रमुख आदमी का नाम पीछे में लिखना चाहिए। यहाँ हम कुछ राशन भी भेजवाने का व्यवस्था बड़े लेवल पर करते हैं, जितने अपने लोग हैं, जहाँ से भी अकाउंट नंबर हमको आया सभी अकाउंट में हमने कोशिश किया कि पैसा भेजें। अकेला आदमी जो औकात थी जब कोरोना वायरस से पूरा दुनिया डर गया था, 46 दिन सड़कों पर एक दिन भी हम आगे नहीं करें, पूरी दुनिया डर गई, लेकिन हम नहीं करें किसी भी बात, और हम अपने लोगों के लिए अपनी जिंदगी भाव पर लगाए पूरा का पूरा बर्दाश्त। जितनी हमारी क्षमता और औकात होगी शरीर बेचना पड़ेगा बेच देंगे, लेकिन एक एक बिहारी को घर ले जाएंगे। अभी हमें जो लिस्ट आया इससे हम राशन भेजवाने की व्यवस्था, और साथ साथ ही इसी लिस्ट के अनुसार आपको ट्रेन से भेजवाने की व्यवस्था, 79 ट्रेन, अभी 100 ट्रेन की जरूरत है, जिसमें 79 ट्रेन का नंबर आया है। आज ही हमारी बातचीत होगी, बात करने के बाद हम टेलीफोन के द्वारा जिसका पहला नंबर होगा आपको हम वहां से खबर करेंगे। 1-2 आदमी 111, 2 से 3 आदमी मत इजाज़त, 111 नंबर साउथ एवेन्यू में कल 12 बजे, हाँ कल 12 बजे नहीं, कल हम लोग पूरे बिहार में नीतीश कुमार पर बुलाने के लिए, वही चाहता है कि हमारा मजदूर नहीं आए, पैसा हम देने को तैयार हैं। उसको हमने कहा तुमको पैसा नहीं लगेगा, तुम क्वारंटाइन में वहाँ जबरदस्ती 1 दिन रखते हो, जब हमको घर में रखो जो पॉजिटिव है उसको अस्पताल में रखो, लेकिन जबरदस्ती तुम वहाँ रखते हो, ये गलत है। ये परेशान करने का कि डर जाए ताकि बिहार का मजदूर नहीं आए, बिल्कुल ये साजिश है। हमने ये तय कर लिया, आप घबराइए नहीं, एक एक व्यक्ति को बिहारी को डगरा का बैबन और मधुआ मजदूर समझता है, और औकात बता देंगे। बंगलोर के मुख्यमंत्री पर 100 केस करवाए हैं, उन्होंने किडनैप करवाया है, इसलिए छोड़े में नहीं। सूरत में भी लाठी चार्ज किया,
हम लोगों ने लड़ाई शुरू की है, हरियाणा में किया हम लोग लड़ाई शुरू की है, इसीलिए आप लोग घबराइए नहीं। हम इसको लेकर के जा रहे हैं, कल 12 से 1 बजे के बीच 4 मेन आदमी सारा कागज लेकर के नंबर लेके आप लोग साउथ एवेन्यू साइकिल से चुपचाप 5 आदमी मत आइएगा, 4 आदमी मेन आदमी आ जाइएगा, सारा हम डॉक्यूमेंट बना करके सरकार को दे, ठीक है। अरे हटो, जाने नहीं दोगे तो।